2.5% के आसपास की मजबूती कोल इंडिया में है। लेकिन पिछले 9 साल में माइनिंग सेक्टर में सरकार कई रिफॉर्म कर चुकी है। माइनिंग समिट के दौरान हमसे खास बातचीत में खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य माइनिंग सेक्टर को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने पर है। आइए सुनते हैं। हमारे साथ इस वक्त यूनियन मिनिस्टर मिस्टर प्रहलाद जोशी है। सर, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आज जो माइनिंग समिट है, यहाँ पर कई सारे स्टेक होल्डर्स आए हुए, स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट्स एंड मिनिस्ट्री एज वेल। तो ओवरऑल इसका रैशनल क्या है और यहाँ पर क्या हम देख सकते हैं कोई पार्टनरशिप्स या डील्स, जैसे आपने कहा कि टेक्नोलॉजी में काफी सारी बढ़ोतरी करनी है इस सेक्टर में, तो कोई पार्टनरशिप्स या डील्स देख सकते हैं और इसका रैशनल क्या है? माइनिंग सॉल्यूशंस, माइनिंग इक्विपमेंट और माइनिंग मशीनरीज, इसमें हमको आत्मनिर्भर बनना है। और ओवरऑल माइनिंग सेक्टर में जो कुछ भी अभी तक हुआ है, इसमें गत 9 साल में हमने एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है। फिर भी एक बहुत बड़ा एक स्टेप लेने के लिए, बहुत बड़ा एक आगे जाने के लिए, टू टेक इट फर्दर, टू टेक ए बिग लीप, वी वॉन्ट टू do more mining, more extraction, and also further after the mining, the processing also should be done domestically. With this idea, we have called few startups here. A first ever summit hai, around 142 have registered and 80 are actively participating. The सोच ये है, इसमें सॉल्यूशंस निकलना है, प्रोडक्ट प्रोडक्शन, एक नया प्रोडक्ट निकल। ठीक है, तो माइनिंग सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने का सरकार का प्लान है और हम देखने क्या